हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और फ्रेंड्स आज मैं लेके आई हूं इंडियन स्टाइल रेड सॉस पास्ता की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि बच्चे को बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आती है और अगर इस तरह से आप बनाएंगे इंडियन स्टाइल में मसालों के साथ, तो ये और भी ज़्यादा टेम्पटिंग और डिलीशियस हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पास्ता को बॉईल करना है, तो आप दो तरीके से बॉईल कर सकते हैं। जैसे मैं बॉईल कर रही हूँ, एक पैन में मैंने नमक डाला है, बहुत सारा पानी ऐड करना है और इसमें एक बोल के बराबर मैंने पास्ता ऐड किया है, 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयल ऐड किया है। आप इसी तरह से कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं 3 से 4 सीटी में, और आप देख सकते हैं 10 से 12 मिनट में ये अच्छे से बिल्कुल पक चुका है। अब मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी, यानी पानी हमें निकाल देना है और इसमें थोड़ा सा हम ऑयल ऐड कर देंगे ताकि ये स्टिकी ना हो। वैसे हमने बॉईल करते वक्त भी डाला था तो ये स्टिकी बिल्कुल भी नहीं होता है, और थोड़ा सा ऐड कर देंगे तो बहुत ही अच्छा सा बनेगा ये। अब हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो एक पैन में मैंने लिया है 3 टेबल स्पून के बराबर ऑयल। अब मैं इसमें डालूंगी मस्टर्ड सीड अराउंड 1 टीस्पून के बराबर, साथ में जीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, और इसे हम क्रैकल होने देते हैं। इसके बाद हम ऐड करेंगे प्याज और शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ। तो एक प्याज लिया है मैंने बारीक कटा हुआ और एक छोटा सा शिमला मिर्च लिया है। अगर आपके पास है तो आप शिमला मिर्च ऐड कीजिए, वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे 1 से 2 मिनट पका लेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर, यानी अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे भी हम 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तो अनियन और जिंजर गार्लिक पेस्ट सारा कुछ पक चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े टमाटर जिसे मैंने पीस लिया था प्यूरे, और इसमें मैं डालूंगी सूखे मसाले। तो ये चिली फ्लेक्स है 1/2 टेबल स्पून के बराबर, 1/4 टेबल स्पून मैंने हल्दी ऐड किया है, साथ में मैंने ऐड किया है नमक, स्वाद अनुसार ऐड करना है, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और गरम मसाला मैंने लिया है 1 टीस्पून के बराबर, और साथ में पास्ता मसाला ऐड करेंगे 1 पाउच, ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है और ये बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा इसमें, पूरा इंडियन और इटालियन का टच। और साथ में मिक्स्ड हर्ब ऐड किया है, इटालियन हर्ब्स है ये। अगर आपके पास ओरिगेनो है आप वो भी ऐड कर सकते हैं, अगर मिक्स्ड हर्ब आपके पास नहीं है तो स्किप कर दीजिए। आप इसके बदले कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम इंडियन टच दे रहे हैं तो ये सारे मसाले बहुत ही ज़्यादा कॉमन हैं इंडियन फ्लेवर में। अब मैंने इसमें 1/4 कप के बराबर पानी ऐड किया है। अब इन सब मसालों को अच्छे से हम पका लेंगे ऑयल सेपरेट होने तक। तो 2 से 3 मिनट मैंने पका लिया है और आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से कुक हो चुका है। और अब मैंने इसमें डाला है 1 टेबल स्पून के बराबर टमाटो सॉस, और साथ में पेपर पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर। तो ये कुटी हुई काली मिर्च है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। टमाटो सॉस से इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आता है और स्वीट एंड स्पाइसी टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा सा ब्लेंड होगा ये टेस्ट। और अब मैंने इसमें डाला है कुक किया हुआ और बॉईल किया हुआ पास्ता, और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने फ्लेम को मीडियम रखा है और इसे 2 से 3 मिनट हम अच्छे से पका लेंगे। हल्के हाथों से हमें चलाना है ताकि पास्ता हमारा टूटे नहीं। और 2 से 3 मिनट पकाने के बाद ये हमारा बनकर तैयार है। अब मैं इसमें स्प्रिंकल कर दूंगी सम कोरिएंडर लीव्स, यानी धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, और इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। और ये सर्व करने के लिए तैयार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस। गर्मा गर्म खाइए इंडियन स्टाइल रेड सॉस पास्ता की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दबाइएगा ताकि जब भी मैं अपना लेटेस्ट अपलोड दूँ वो आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।